उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से दो दिवसीय काशी के दौरे पर रहेंगे। दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ लेने के बाद ये उनका पहला काशी दौरा है। सीएम योगी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक कर विकास के साथ साथ राज्य की कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। इसके बाद सीएम ने मंडल की समीक्षा बैठक के दरमियान नगर निगम को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मठ मंदिर और धार्मिक स्थलों से टैक्स लिए जाने पर रोक लगाई। इस फैसले के बाद अब मठ मंदिर और धार्मिक स्थलों से कमर्शियल टैक्स नहीं लिए जाएंगे। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिल्ली दौरे पर हैं। पिछले दो दिनों में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत गुजरात के कई सांसदों से मुलाकात कर चुकी हैं। इसी के साथ आनंदीबेन पटेल की इन मुलाकातों और दिल्ली दौरे के कई मायने निकाले जाने भी शुरू हो गए हैं। सूत्रों की माने तो आनंदीबेन पटेल के दिल्ली दौरे को राष्ट्रपति चुनाव और गुजरात चुनाव से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सेंट्रल सिया वक्फ बोर्ड ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक और झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक बोर्ड ने रामपुर में सपा के कद्दावर नेता आजम खान के कब्जे से शाही परिवार की संपत्ति को छुड़ाकर उस परिवार को वापस दे दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चर्चा में रहा बुलडोजर योगी सरकार बनने के बाद एक बार फिर चलने लगा है। अवैध कब्जे और भूमाफियाओं की संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में एटा के अलीगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जेथरा ब्लॉक के गांव गड़ी रोशन में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सपा नेता रामनाथ यादव के भट्टे पर बुलडोजर चलाकर 15 करोड़ रुपए की करीब 33 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। ग्राम गड़ी रोशन थाना जैतरा के अंतर्गत गाटा संख्या 279 जो है 7/7/2008 को जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में राज्य सरकार में निहित कर दिया गया था, परंतु इस पर एक पक्ष द्वारा अवैध कब्जा करकर जो है आरएस यादव नाम से एक ईंट का भट्टा संचालित किया जा रहा था, परंतु नवंबर 2021 को राजस्व परिषद में अपील खारिज होने के पश्चात उसी के क्रम में इस पर जो है राज्य सरकार द्वारा पुनः कब्जा किया जा रहा है। कन्नौज के ठटिया क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार पड़ गए। वहीं बीमारी के चलते एक मासूम की भी मौत हो गई है, जहां एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बता दें कि जिला अस्पताल में 3 बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं हालत गंभीर होने के चलते एक बच्ची को मेडिकल कॉलेज भी रेफर किया गया। ये अक्यूट डायरिया के केसेस लेके आए थे और उनमें से एक बच्चा ब्रॉडडेड आया था और ये सुखापुरवा ठटिया के पास कोई गांव है, वहाँ पे उनमें से एक तन्वी है, 3 इयर्स की फीमेल चाइल्ड है, वो थोड़ी ज़्यादा सीरियस थी तो उनको प्राइमरी मैनेजमेंट के बाद रेफ़र किया गया है। बाकी सोनू और रामचंद्र और पार्वती यहाँ पे अभी भर्ती हैं, जिसमें से सोनू रामचंद्र को हल्के एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, मैनेजेबल हैं, मैनेज हैं अच्छे से। पार्वती थोड़े हिस्टेरिकल हैं, उन्हें कुछ ऐसा डायरियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चा एक एक्सपायर ब्रॉडेड ही आया था वहाँ से, तो ये हिस्ट्री बता रहे हैं कि बच्चे दोनों जो हैं वो कुछ समोसा वगैरह खाए थे और बाकी किसी के ऐसे खाने की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो मैनेज्ड है। यहाँ पे बच्चे की बॉडी मॉर्चरी में रखवा दी गई है, पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है और बाकी लोगों को यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। सीएम योगी ने सभी स्कूल कॉलेजेस पर एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करने के निर्देश दिए। नवरात्रि पर्व के पहले दिन महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग ने विशेष अभियान चलाया। इसके अलावा प्रदेश भर में मिशन शक्ति के कार्यक्रमों की शुरुआत 10 अप्रैल से की जाएगी। इसी के तहत आगरा में भी एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव नजर आया। बांदा में गिरेह गांव के पास सड़क हादसा हो गया, जहां पर बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को अस्पताल में ले गई। वहीं अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी दूध लेके जा रहा था बांदा, तो रोड के किनारे खड़ा था, ट्रक वाले ने आया तो पीछे से उड़ा दिया उसको। किसका एक्सीडेंट हुआ है, कौन था? भाई था हमारा राजू। क्या राजू नाम था? हाँ। कितनी उम्र आई होगी उनकी? 35 साल। तो कहीं यहीं पे मौके पे ही ख़त्म हो गया था कि अस्पताल नहीं में? अस्पताल नहीं जा पाया, रास्ते में ही ख़त्म हो गए। आपको किस तरह का आश्वासन मिला है अभी? अभी के क्या, प्रभु कोतवाल साहब आए, बोले जो होगा दिला देंगे, करा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस यही बता रहे हैं। कंप्लेन करो, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, कहाँ घूमते रहेंगे हम अकेले आदमी, किसान आदमी कहाँ घूमते रहेंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारंभ किया। दूसरी बार सीएम बनने के बाद वो सबसे पहले सिद्धार्थनगर आए, इस कारण जनता और बीजेपी कार्यकर्ता काफी खुश और उत्साहित नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता अगर स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का मुस्लिम समाज ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसी के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नया साल मनाया तो वहीं जगह जगह प्रभात फेरी भी निकाली। संभल में एमएलसी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचे यूपी सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने भ्रष्टाचार पर नकेल के लिए बड़ा बयान दिया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त हर अधिकारी की जांच होगी, भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारी अफसरों और कर्मचारियों पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। लोग अपने एजेंडे के साथ चुनाव लड़ते रहे, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हम अपने जीवन काल के प्रारंभ से ही कहते रहे भाजपा सरकार आएगी तो धारा 370 हटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, भाजपा की सरकार आएगी तो भगवान श्री राम के मंदिर स्थान पर भव्य राम मंदिर बनवाएंगे, भगवान श्री हमारी सरकार आएगी तो हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया और उस संकल्प पत्र के अधिक से अधिक काम, मतलब अधिकांश काम हम लोगों ने पूरे किए हैं और आगे भी अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र हमने जारी किया है और उस घोषणा पत्र के आधार पर, इस संकल्प पत्र के आधार पर प्रदेश की महान जनता से हमने योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का आग्रह किया और प्रदेश की महान जनता ने योगी जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रदेश के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमें जनादेश मिला है, सरकार बनाने का अवसर मिला है, सरकार बनी है और सरकार योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, प्रदेश के सभी 25 करोड़ नागरिकों की बेहतरी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ आगरा पहुंचे। राहुल द्रविड़ ने परिवार सहित फतेहपुर सीकरी का भ्रमण किया, इसके साथ ही उन्होंने चिश्ती के दरगाह पर सजदा किया। बुलंदशहर में नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर मंदिरों पर उत्तर प्रदेश निर्देशानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने तहसील डिबाई के अंतर्गत बेलौना माता मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हम सभी जानते हैं कि बुलंदशहर जनपद में बेलौन माता जी का मंदिर बेलौन गाँव में है और ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ नवरात्रि में और अन्य समय में भी लाखों लाख लोग श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने माता जी के। हम लोग भी यहाँ आए थे माता जी का दर्शन करने और ये देखने कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी बेसिक इम्यूनिटी, सिविक इम्यूनिटी हैं या नहीं है, साफ़ सफाई कैसी है। प्रधान जी भी हैं, SDM साहब हैं, CO साहब हैं और अब खुद ही देख रहे हैं कि अभी नवरात्रि कल से शुरू हो रही है और कम से कम 250 बसें यहाँ आ चुकी हैं श्रद्धालुओं की। तो मैंने इनसे कहा है कि व्यवस्था अच्छी रखें, साफ़ सफाई अच्छी रखें, पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी हो, मोबाइल टॉयलेट भी यहाँ लगाए जाएँ। मैंने नगर पालिकाओं से भी जहाँ आसपास के हैं वहाँ से भी सफाई कर्मचारी यहाँ भेजे हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सख्त निर्देश है कि साफ सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान रखा जाए। फरुखाबाद में भी नवरात्रि की धूम देखने को मिली, वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता भी लगा रहा। शहर के गामा देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और देवी माता के जयकारे लगाए, इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने देवी माता का आशीर्वाद लिया। गाजीपुर के जंगीपुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने दो हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक की हत्या का खुलासा किया SP रामबदन सिंह ने अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि पैसे के लेन देन में दोस्तों ने ही राहुल की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि कल सुबह एक डेड बॉडी मिली थी गेहूं के खेत में जंगीपुर में हाईवे के बगल में। बाद में उसकी पहचान हुई कि वो राहुल कुशवाहा है और इस पर फिर हमने उसके पहचान होने के बाद ही तुरंत इस पर कार्य शुरू कर दिया कि इसकी हत्या किसने की है। प्राइम ऑफिसर देख के लग रहा था कि उसके सर में चोट पहुंचा के हत्या हुई है, तो उसी विवेचना के दौरान ये पता चला कि इसके दोस्त थे दो, गोलू गुप्ता और एक बन्नी पांडे, इन दोनों ने ही उसकी हत्या की थी और हत्या के पीछे जो है इनके पैसे का लेन देन था। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया ये लगता है कि इसने हत्या की है और वो जेल में बंद था, उसने पैसे की
कहा था कि जो पैसे मैंने दिए हैं राहुल कुशवाहा को वो कुछ पैसे मुझे जेल में दे जाए क्योंकि मुझे जेल में जरूरत पड़ती है। गन्ना और चीनी मिल मंत्री बनने के बाद संजय सिंह गंगवार के प्रथम बार अपने गृह जनपद आगमन पर समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ मंत्री का जोरदार स्वागत किया। मंत्री के स्वागत के दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें मुकुट पहनाकर स्वागत किया। हमीरपुर में नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर सालों से युवक दुष्कर्म करता रहा तो वहीं जब किशोरी गर्भवती हो गई तो शादी से इनकार कर दिया, जिससे आहत किशोरी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। बांदा में पुलिस मुठभेड़ में दो लुटेरे घायल हो गए। दरअसल पिछले काफी समय से जनपद के अतरा नरेनी क्षेत्र में ये दोनों लुटेरे सक्रिय थे। बता दें कि ये दोनों लुटेरे मध्य प्रदेश के जनपद छतरपुर के रहने वाले हैं। दोनों लुटेरे किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से आए थे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ जो अतर्रा और नरेनी का क्षेत्र है उसमें कुछ घटनाएं हुई थी और उसमें स्पेशली एक जो बदौसा के थाने क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला ई रिक्शे पर जा रही थी, उसे लूट हुई थी। इस चीज़ पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे और फाइनली लोगों को पता चला कि ये वो लोग ऐसे हैं जिन्हें जो छतरपुर के रहने वाले हैं। उनका नाम है राम सिंह और सनी सिंह। इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था और ये जो भी बैंक से लोग निकलते हैं, खासकर महिलाएं या वृद्ध पुरुष जो इजी टारगेट होते हैं, इनको ट्रैक करते हैं और रास्ते में इनके जो है पैसे को छीन लेते हैं और उसके बाद अपने वापस छतरपुर चले जाते हैं। तो इस पर काम चल रहा था और आज भी एक घटना करने आए थे उसी क्षेत्र में और उससे पहले ही हम लोगों ने इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। कई लोगों ने उसका प्रतिरोध किया, पुलिस पर कायम किया, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इन लोगों के कार्य में गोली मिली है। इन लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आगे की जो विधिक कार्रवाई है की जाएगी। कितने लगभग पुराने मामले थे इन लोगों को? देखिए, ये अभी लगभग एक डेढ़ महीने पहले इनकी घटना थी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ये ज़्यादा एक्टिव हुए थे। इनका कार्य क्षेत्र जो है वो अगल बगल के जनपदों में भी जो भी पता चला है कि उन्होंने लूट की घटना किया है, जिसको हम लोग पता कर रहे हैं और उसके अनुसार इन पर आगे की जो है कठोर कार्रवाई की जाए। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 रुपए का इनाम घोषित अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई जिसमें बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक असला और कारतूस बरामद किया। हमीरपुर में गंगा स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत यमुना नदी के किनारे एक भव्य कार्यक्रम किया गया जिसमें जिले के आला अधिकारियों सहित बीजेपी के सभी नेता शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में आए हुए लोगों को नदियों को साफ रखने का प्रण दिलाया गया। ये देखिए, नमामि गंगे योजना के तहत नदियों को स्वच्छ करने का, गंगा नदी और गंगा नदी की सहयोगी नदियां जितना हैं, यमुना जी, बेतवा जी, इन सबको स्वच्छ करने का अभियान चल रहा है। तो उसी के क्रम में लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए हम लोगों ने गंगा सफाई, यमुना सफाई, बेतवा सफाई का अभियान चला रखा है। उसी के क्रम में आज यहाँ यमुना जी के तट पर आरती का आयोजन किया गया था और इसके माध्यम से ये संदेश हम लोग नगर को देना चाह रहे हैं कि नदियों की जो पवित्रता है उसको बनाए रखें, नदियों का महत्व प्रत्येक व्यक्ति जाने और इस राष्ट्र के महत्वपूर्ण बनाने में जो नदियों का योगदान है वो जन जन तक पहुँचाए। तो हम लोग सब लोग प्रण लें आज के दिन कि नदियों में कभी कोई गंदगी नहीं डालेंगे, नदियों को पवित्र बनाए रखेंगे और उनका जो लाभ है जन जन तक बताएंगे। कन्नौज में समाज कल्याण मंत्री अजीम अरुण और सांसद सुब्रत पाठक संचारी रोग अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मौजूदा स्वास्थ्य कर्मियों को शपथ दिलाई गई। साथ ही झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। ये कार्यक्रम कन्नौज के सीएमओ दफ्तर में आयोजित किया गया था। साल में कुछ समय ऐसे होते हैं जब संचारी रोग बढ़ जाते हैं और उसके लिए उत्तर प्रदेश शासन माननीय योगी जी के निर्देश में, मुख्यमंत्री के निर्देश में संचारी रोगों को रोकने के लिए अभियान चलाता है और ऐसा अभियान आज शुरू हुआ है। मुख्य रूप से इसमें मच्छर, सुअर और चूहे, इनको रोकने का प्रबंध करना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमेशा हमें सफाई रखना है, घर की भी और सड़कों की, नालियों की, आसपास की झाड़ियों की। जब सफाई होगी तो स्वच्छता से स्वाभाविक रूप से बीमारियाँ दूर चली जाती हैं। तो इसी के तहत ये अभियान है और लेकिन अभियान से ज़्यादा इसको हमेशा बना के रखना है ताकि ऐसी बीमारियों से हम लोग दूर रह पाए।
सीएम बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर काफी सोचते हैं, फिर से एंटी रोमियो को सतर्क कर दिया गया है, तैनात किया गया है, इसको क्या? अब उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है और पिछले 5 वर्षों में बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कार्य किए गए, जिसमें कि मुख्य रूप से मिशन शक्ति के नाम से एक अभियान चलाया गया और उसमें बहुत सारे विभाग का योगदान लिया गया। इसी प्रकार अब आने वाले समय में उसको और ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा, बहन बेटियों बच्चियों की सुरक्षा को और ऊँचा किया जाएगा, जिसके लिए माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और पुलिस विभाग उसका केंद्र रहेगा और बाकी सभी विभाग भी उसमें जुटेंगे। कन्नौज में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं घायल ने 5 लोगों पर हमले का आरोप लगाया। ये पूरा मामला कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के दाईपुर का है। संभल में बीमार और कम वजन के पैदा होने वाले बच्चों के माता पिता के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां जिला अस्पताल के 6 न्यू बॉर्न केयर यूनिट शुरू हो गई है, जिसके बाद अब कम वजन के बीमार पैदा होने वाले बच्चों का इलाज और देखरेख जिला अस्पताल में ही होगा। इसके बारे में बता दूं कि SNCU जो होता है वो 6 न्यू बॉर्न केयर यूनिट कहलाता है, और ये जो लो बर्थ वेट होते हैं, बच्चे जिसका जन्म के समय 1800 ग्राम से कम वजन होता है, उसको स्पेशल केयर देने की जरूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ जो जिला चिकित्सालय है, इसमें यह सुविधा आरंभ की गई है। ये हमारे लिए बड़े ही खुशी की बात है कि हम लोग तमाम प्रयास के बावजूद ये पहले हम नहीं कर पाए थे, अब शुरू कर पा रहे हैं। इसका मेजर कारण ये था कि हमारे यहाँ जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनका अभाव था, शासन से लगातार मांग करने के बावजूद जो है जब मिला तो हम लोगों ने SNCU के निर्माण में तत्परता दिखाई। और इसके लिए मैं आप सभी लोगों को के साथ शेयर करने में मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है कि अब कम से कम जो बच्चे जो सिक हैं, जो न्यूबॉर्न की में कम वेट वाले कैटेगरी में आएंगे, उनका इलाज भी यहीं हो जाएगा, उनकी केयर भी संभव हो पाएगी। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त टीम है और इस दिशा में हम आगे भी काम करते रहेंगे। यह जो काम किया गया है जिला चिकित्सालय के द्वारा, जिसमें CMS मैडम और यहाँ के तमाम लोग इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर जया, चमन प्रकाश जी और जो प्रेस्टिशियन हैं, सभी इन्वॉल्व हैं। बस्ती के छावनी थाना के घाघरा नदी में नहाने गए 4 दोस्त अचानक नदी की बीच धारा में डूबने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को किसी तरह से डूबने से बचा लिया, लेकिन 2 युवक नदी में लापता हो गए। हरिद्वार में आज से चैत्र नवरात्र को देखकर माता के दरबार सज गए थे, तो वहीं शहर भर के मंदिरों में माता की आराधना के लिए 9 दिन अनुष्ठान कराने की तैयारी मंदिर समिति ने की है, जहां पुजारियों की ओर से पहले दिन कलश स्थापना की गई। चमोली में नववर्ष पर सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जहां जोशीमठ के द्वारा मैदान में मुख्य बाजार होकर राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ तक आयोजन किया गया, जिसके स्कूली बच्चों ने भव्य प्रभात फेरी निकालकर नववर्ष धूमधाम से मनाया। और अरवीं नवरात्रि पर्व के पहले दिन मंदिरों में आस्था का सैलाब दिखाई दिया, जहां शहर के प्राचीन मंगला काली मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। मंदिर पे तैयारियां पूर्ण हैं, पुताई पूरी हो चुकी है, सजावट भी हो चुकी है और दूर दराज जिलों से कानपुर, जालौन, इटावा और कानपुर देहात, इन सभी जगहों से भक्तों का आना जाना हो रहा है और लोग आ जा रहे हैं और आज परवा है, परवा की वजह से भीड़ अधिक है और आगे भीड़ बढ़ेगी। क्या मानते हैं कि पहले कोविड के दौरान भक्तों श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई थी, इस बार क्या लग रहा है, कैसी भीड़ मिल रही है? इस समय कोविड की स्थिति आ गई, जो समय तो दर्शनार्थी आना ही बंद कर गए थे, भक्तों ने आना ही बंद कर दिया था। 9 देवियों में भी 10-20-50 आदमी आते थे, लेकिन इस समय कोविड की व्यवस्था नहीं है तो पब्लिक का आना और जाना विस्तार से है, काफ़ी लोग आ जा रहे हैं।
फतेहपुर में आज नवदुर्गा पूजा पर्व के पावन अवसर पर शासन के निर्देशों के पालन स्वरूप मंदिरों, स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर एंटी रोमियो दल तैनात किया गया। पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर महिलाओं में सुरक्षा की भावना जगाई और अराजक तत्वों में पुलिस के भय का माहौल बनाया। देखिए, एंटी रोमियो टीम का गठन शासन की मंशा के अनुरूप किया गया है और एंटी रोमियो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से एक है। उसी के तहत हमारे यहाँ सभी थानों में एंटी रोमियो का गठन पहले से ही हुआ है और आज चूँकि नवरात्रि का प्रथम दिन था जहाँ पे महिलाएं और बच्चे देवी मंदिरों में जा रही थी, उनमें सुरक्षा की भावना विकसित हो और बदमाशों में भय का संचरण हो, इसके लिए हमारी टीम आज बहुत ही एक्टिव रही और महिलाओं और बच्चियों से वार्ता भी की गई, उनको सुरक्षा के लिए आश्वस्त भी किया गया। हम इसके प्रति संवेदनशील हैं और ये कार्रवाई हमेशा हमारी चलती रहेगी। एंटी रोमियो टीम लगातार सुबह शाम स्कूल, हॉस्टल जो बच्चियों के हैं, विशेष तौर पे मंदिर जहाँ पे महिलाएं और बच्चियाँ जाती हैं, इन जगहों पे हम लोग बिल्कुल सतर्क और संवेदनशील हैं। इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य, हम लोग करेंगे। गोरखपुर में चैत्र रामनवमी के प्रथम दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी, जहां सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। दरअसल आज देवी शैलपुत्री की पूजा और कलश स्थापना के साथ 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र रामनवमी की शुरुआत हुई है। लखनऊ में आज माहे रमजान का चांद दिखाई दिया है, जहां शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने चांद दिखाई देने की बात की। पूरे देशवासियों को रमजान उल मुबारक की मौलाना ने मुबारकबाद दी, साथ ही कहा कि 3 अप्रैल को पहला रोजा होगा।